ओम शांति ज़रूर लिखिएगा। काफ़ी ज़्यादा ये दुखद भरी खबर इस समय की जम्मू के राजपुरा से आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ पर आपको बताते चलें कि आज सुबह सुबह जम्मू के तोपशेरखानी इलाके में एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ, जिसके नतीजे में एक व्यक्ति की जान चली गई, जो कि जम्मू के राजपुरा इलाके से ताल्लुक। जम्मू के तोपशेरखानिया इलाके में बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ, जिसमें 43 वर्षीय भुवनेश्वर शर्मा जी की जान चलेगी, जो कि जम्मू के राजपुरा से रहने वाले थे। लेकिन ऐसे में आप देख सकते हैं कि उनके परिवार में इस समय किस तरह से मातम का माहौल छाया हुआ है। भुवनेश्वर शर्मा जी की बात करें तो इनके दो बच्चे हैं, जिसमें एक बेटा और एक बेटी है। और वहीं अगर तस्वीर अगर भुवनेश्वर शर्मा जी की आपको दिखाएंगे तो काफ़ी ये दुखद भरी तस्वीर है। हालांकि उनकी सिस्टर भी हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। जी क्या हुआ आपके भैया? सर हॉल में लगा हुआ है मैनेजर ईडन गार्डन, वहाँ से जब आ रहा था, वहाँ से आते टाइम उसके साथ एक फ्रेंड था, उसको उसने घर पे छोड़ना था, वेस्ट प्राइस साइड से आ रहा था, गाड़ी वाला आया उसको हिट करके चला गया और काफ़ी जंप से वो नीचे गिरा और आधा घंटा सांस चली है पर कुछ बोल नहीं पाया। हम चाहते हैं उसको इंसाफ दे, छोटे छोटे बच्चे रह गए उसके पीछे, तो कोई करने वाला है नहीं, कोई हो पीछे करने वाला, चलो कोई हो होती, जबकि कुछ पीछे करने वाला है नहीं, मारने वाला तो मार के चला गया। पर हमें भी अब इंसाफ चाहिए, हम भी चाहते हैं कि पुलिस वाले उनको पकड़ें और उसका कुछ इंसाफ करें। अभी तक वो पकड़े गए हैं गाड़ी वाले? नहीं सर, अभी कोई नहीं पकड़ा गया। एक्चुअली जब वो हुई थी, भैया का कोई फ्रेंड आया था, उसने चाबी ले ली गाड़ी की, वो फरार हो गया। अब हम देख रहे हैं कि कार्रवाई वगैरह की हुई है, तो देखो पुलिस क्या करती है। थोड़ी क्या कह रही है? थोड़ी अभी तो सुबह रिपोर्ट लेके गए हैं, थोड़ी सारी एक दर्द चुका है कि परिवार में किस तरह से मातम का माहौल इस समय छाया हुआ है जम्मू के राजपुरा से। इस समय की ये दुखद भरी खबर आप जनता तक साझा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आपको बताते चलें कि जम्मू के तोपशेरखानिया इलाके में एक बहुत ही बड़ा डेंजरस एक्सीडेंट कार और बाइक का हुआ, जिसमें आपको बताते चलें कि बाइक पर सवार दो लोग हैं, जो कि जिसमें से एक जम्मू के राजपुरा के रहने वाले भुवनेश्वर शर्मा थे, जिनके दो बच्चे हैं। लेकिन ऐसे में उनकी जो है वो उसमें जान चली गई है, और जिसके बाद परिवार में मातम का माहौल छाया हुआ है। और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से भुवनेश्वर शर्मा जी के फादर साहब भी मेरे साथ हैं। अंकल जी क्या हुआ, क्या हुआ आपके बेटे को, कुछ पता चला है आपको? एक्सीडेंट हो गया, लोग पकड़े गए हैं जो हिट कराया। हाँ पकड़े गए। कितने बेटे हैं आपके? दो बेटे। भुवनेश्वर जी के कितने? दो बेटे। दो बेटे, दो बेटे। परिवार की हालत देखकर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से दुखों का बड़ा पहाड़ टूटा है। भुवनेश्वर जी के ताया जी इधर हैं, इनसे बात करेंगे। अंकल जी क्या कहना चाहेंगे, आज एक सुबह बड़ा ही खतरनाक एक्सीडेंट तोपशेरखानिया में हुआ, जिसमें एक बताया जा रहा है कि एक कार ने जो है वो बाइक को हिट करा है। और आप क्या बताएं, आपको दुख की बात है, ये छोटा भाई है, बीमार रहता है, उसकी घर वाली बीमार है बेचारी, हम भी थोड़ा बीमार हुए हैं, लेकिन बात यह है कि बहुत बुरा हुआ, इसी पर घर का पूरा दारो बदाव था, काम का इसी पर सारा
दारो मदार था घर का, अब हो गया क्या करें। ओके साथ काफ़ी ये दुखद पल रहते हैं, जो कि हमारे लिए भी काफ़ी मुश्किल रहता है कि किस तरह से आप जनता तक ये तस्वीरें पहुंचाया जाए। लेकिन पुलिस से अपील है कि उन लोगों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए जो भी इस तरह से लापरवाही के साथ गाड़ी चला रहे थे, और जिसकी वजह से आज आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे परिवार में मातम का माहौल है। और आपको बताते चलें कि 43 वर्षीय भुवनेश्वर शर्मा, जो कि जम्मू के राजपुरा के रहने वाले थे और एक प्राइवेट काम करते थे, लेकिन सोचा नहीं था कि इस तरह से जो है वो एक बहुत ही बड़ा दर्दनाक सड़क हादसे में उनकी जान चले जाएगी। जम्मू ज़िले की सरवाल पुलिस से भी हमारी अपील रहेगी कि जल्द से जल्द उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए कि आखिरकार कौन वो लोग थे जो कि लापरवाही के साथ उस गाड़ी को चला रहे थे, कि जिसके नतीजे में उनकी गाड़ी जो है वो एक बाइक के साथ टकरा जाती है, और जिसके नतीजे में बाइक पर सवार दो लोग थे लेकिन उसमें से एक की जान चली गई है, जिनकी पहचान भुवनेश्वर शर्मा जम्मू के राजपुरा से ताल्लुक़ रखने वाले थे। और आज उनके परिवार में किस तरह से मातम का माहौल छाया हुआ है, जिनकी पीछे एक बच्ची है जो कि शायद 6th 7th क्लास में पढ़ रही है, और एक बच्चा है जो कि 4th क्लास में शायद होगा। आज वो बच्चे जो है वो किसे पिता कहेंगे, जिनके आज जिनके सर से आज जो हो पिता का साया जो है वो उठ गया है। कल जन्मदिन था, बिल्कुल बिल्कुल कल जन्मदिन था, हम सारे इनके साथ ही थे, तो लेकिन अचानक जन्मदिन के बाद अब आज मरण दिन पे बारी आ जाएगी हमें, इसका अफसोस है, बहुत अफसोस है। देख सकते हैं कि कल बड़ी खुशी के साथ भुवनेश्वर जी ने अपने परिवार के साथ, अपने पूरे दोस्तों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ अपना जन्मदिन जो है वो बड़ी खुशी के साथ मनाया था, लेकिन सोचा नहीं था कि आज मेरा जन्मदिन पे ये लोग यहाँ पर खुशियों के साथ यहाँ पर आए हैं, लेकिन कल इन्हीं को जो है वो यहाँ पर मातम में यहाँ पर आना पड़ेगा। एक बार फिर से पुलिस से भी अपील है, तेज़ रफ्तार के साथ गाड़ी चलाने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि लगातार ये बातें जो है वो आम होती जा रही हैं और इस तरह के हादसे लगातार देखने को मिल रहे हैं, और जिसकी वजह से आए दिन लोगों को अपनी जानें गंवाना पड़ रही हैं। और आप सब लोगों से भी ये कहेंगे कि जब भी आप लोग गाड़ी चलाएं तो धीरे चलाएं, ताकि आप और आपके चाहने वाले सेफ रहें, क्योंकि आज आप देख सकते हैं पूरे मोहल्ले में काफ़ी अच्छे इंसान थे, मेहनत मजदूरी करके अपना घर का अच्छा गुजारा जो है वो चला रहे थे, लेकिन सोचा नहीं था कि इस तरह से एक तेज़ रफ्तार कार आएगी और वो जो है वो उन्हें कुचल देगी। इससे पहले तस्वीरें हमने आपको जम्मू के तोप शेरखानिया से भी दिखाई हैं, यहाँ पर ये पूरा एक्सीडेंट हुआ और आप देख सकते हैं किस तरह से दो जूते अभी भी वहाँ पर पड़े हुए हैं, और जो भी गाड़ी ने हिट करा है, एक पाइप भी आपने देखी किस तरह से डैमेज हुई थी। लेकिन अब दूसरा पार्ट हम भुवनेश्वर शर्मा जी के घर से आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से उनके जान चले जाने के बाद परिवार में मातम का माहौल है। माता रानी के आगे दुआ करते हैं कि भुवनेश्वर शर्मा जी की आत्मा को शांति मिले, और आप सब लोग भी ओम शांति ज़रूर लिखिएगा। लेकिन काफ़ी दुखद पल हैं, जो कि परिवार में इस समय किस तरह से परिवार पर एक बहुत ही बड़ा दुखों का पहाड़ टूटा है। इस तरह से उनके दोस्त, उनके भाई, उनके रिश्तेदार ये बता रहे थे कि कल उनका जन्मदिन था और परिवार ने बड़ी खुशियों के साथ उनका जन्मदिन मनाया, लेकिन सुबह सवेरे ना जाने क्या हुआ कि उनकी जो है वो एक एक्सीडेंट में जान चली गई है। एक बार फिर से जम्मू ज़िले की सरवाल पुलिस से भी अपील है कि जल्द से जल्द उन लोगों को पकड़ा जाए और उन्हें सलाखों का रास्ता दिखाया जाए, ताकि दोबारा इस तरह से लोगों को जो है वो इस तरह के सड़क हादसों में अपनी जानें ना गंवाना पड़े। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।